हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी सुपर मॉम स्मृति अरोड़ा। सो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज शेयर करने आई हूं। एंड आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दिन से एक्टिव नहीं थी। एंड ये पीछे का शोर थोड़ा सा इग्नोर करना, बिकॉज ये समारा है जो कि थोड़ा सा खेल रही है और क्रैंकी हो रही है बिकॉज वो नींद में है। तो यहाँ थे यस। तो मैं आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करने आई हूँ। और जैसे कि मैंने आज तक आपको अपनी हर जगह हर चीज़ में आगे रखा है, आपको अपनी फैमिली की तरह हर चीज़ बताई है, तो ये चीज़ मैं कैसे छुपा सकती हूँ? तो मैंने सोचा कि जल्द से जल्द आप लोगों से शेयर कर दी जाए, बिकॉज फिर धीरे धीरे आप सबको पता ही चलने वाला है। तो मैं सोचा मैं खुद ही बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ, सॉरी मैं इतने दिन से एक्टिव इसलिए नहीं थी बिकॉज मेरा फ़ोन थोड़ा सा ठीक नहीं था और मैं वेट कर रही थी एक अच्छे से डे का कि मैं जल्दी से आपके साथ न्यूज़ शेयर करूँ। जस्ट वेट गाइस, देखो मेरे साथ कौन आ गया है। तो ये थोड़ा सा अभी हल्का सा क्रैंकी हो रही है। मैंने सोचा कि मैं इसको गोद में लेके ही वीडियो बना लेती हूँ, नहीं हमें वीडियो नहीं बनाने देगी। तो यश, मैं बता दूँ कि सबसे पहले हम बात करेंगे यार मेरी, देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो आप लोग नहीं थे मेरे पास और उस टाइम ये सब था नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और जब फर्स्ट डिलीवरी होती है तो लोग ना थोड़ा सा फर्स्ट बेबी में थोड़ा सा फैमिली वाले भी बोलते हैं कि रिवील नहीं करना, ये नहीं करना, अभी किसी को बताना नहीं है। तो लाइक 9 मंथ्स तक भी किसी को नहीं पता था कि मैं प्रेगनेंट हूँ, जब घर के जो मेन बंदे थे या जो मेरे फैमिली किसी बेबी शॉवर गोद भराई फंक्शंस में आए थे उन लोगों को पता था, बाकी बाहर के किसी बंदे को नहीं पता था। जब मैंने सडनली आफ्टर डिलीवरी समृद्धि पिक्चर पोस्ट करके डाली थी कि आई एम ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल, तो तब लोगों को पता लगा। तो ये होता है। बात आती है सेकेंड की। तो सेकेंड मेरी अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी थी जो कि हम लोगों ने बिल्कुल प्लान नहीं करी थी। और यार मैंने एक चीज़ रियलाइज करी कि हम लोग ना सोचते कुछ हैं बट होता कुछ है। मैं पिछले 8 ईयर्स से इस चीज़ का वेट कर रही थी कि मैं हमेशा प्लान करके प्रेगनेंसी करूँगी, मैं अभी नहीं करूँगी, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे कुछ बनाना है, तो मैं उसके बाद सोचूंगी कि हमने कब प्लान करना है। बट वही होता है कि जिसको जब आना होता है वो आना होता है, आप उसको बिल्कुल नहीं रोक सकते। ठीक है, तो ये था कि ये मेरी अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी थी। एंड मुझे खुद आफ्टर 2 एंड 2.5 मंथ बाद पता चला था कि आई एम प्रेगनेंट। तो मतलब मैं तो रेडी नहीं थी बट सब ने बोला कि नहीं अब हो गया तो रखना है ये वो, तो ठीक है। उसके बाद बाकी जर्नी तो आई थिंक आप सबको पता ही है, और अगर नहीं पता तो आप मेरे पहले के व्लॉग्स वीडियोस जाके देख सकते हो। मैंने अपना हर एक डे आप लोगों के साथ शेयर करा है अपने व्लॉग्स में, अपना गॉड ब्लेस यू। हाँ, तो मैंने अपना हर एक सब कुछ शेयर करा आप लोगों के साथ, ऐसा कुछ छुपाया नहीं है। मैंने सब कुछ शेयर करा है, कुछ ऐसा छुपाया नहीं है, आपको सब कुछ बताया है। तो काफ़ी एक्टिव रही, मतलब एक्टिव लेजी दोनों ही मान सकते हो आप। स्टार्टिंग में लेजी थी, फिर मैं बीच में बहुत एक्टिव हो गई, एंड में आके मैं फिर लेजी हो गई। और मैंने आप लोगों को 2-4 चीज़ें बतानी थी बट मैं कभी बना नहीं पाई वीडियोज़। फर्स्ट थिंग कि जो मैंने रियलाइज़ किया, लोग बोलते थे डिप्रेशन होता है, ठीक है, बट मैंने क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी और के बाद मैंने अपने आप को बहुत चिल रखा था, तो मुझे आई थिंक उस चीज़ का एहसास नहीं हुआ था। बट हाँ, दिस टाइम मैं इस चीज़ से सफ़र करी बिकॉज दिस टाइम मेरे पास 2 बेबीज थे और दोनों की एज गैप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो ये चीज़ मैं कहूँगी कि इफ़ यार अगर आप प्लान कर रहे हो तो साथ साथ प्लान कर लो, ज़्यादा गैप मत दो। और कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, मतलब पॉजिटिव मेरी लाइफ में ये है कि समृद्धि इतनी समझदार है कि समायरा को बहुत अच्छे से संभाल लेती है तो मुझे इतना इशू नहीं होता। बट नेगेटिविटी ये है कि मैं समायरा की वजह से समृद्धि पे कम ध्यान दे पाती हूँ बिकॉज ये बहुत छोटी है और वो बहुत बड़ी है, तो मेरे लिए ये 2 एज मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने लगी थी। बट नाउ आप लोगों ने हमेशा देखा है कि अब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, बाकी एक्टिव तो मैं हमेशा रहती हूँ। अब मेरे को इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, मेरी आईडी प्लस है स्मृति अरोड़ा के नाम से, तो वहाँ आप देख सकते हो मेरी बैक टू बैक वीडियोस पिक्चर्स सब पोस्ट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिर सेकेंड ना। फिर जब समायरा की जब डिलीवरी हुई तो ये मेरी ड्यू डेट से जस्ट 3 डेज बिफोर हुई थी। वो भी मुझे डॉक्टर ने, मतलब लास्ट मेरे को 3 को विजिट करना था,
सैटरडे पड़ गया था, डॉक्टर नहीं थी, तो मुझे मतलब मैंने 3 को कॉल करा, मुझे जाना था क्योंकि मुझे डॉक्टर ने आफ्टर 1 बुलाया था, तो मैंने बोला ठीक है 1-2 दिन रुक के जाते हैं। तो मैंने 3 को कॉल करा तो मेरी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करना मंडे को आना। मंडे को थी 5 एंड मेरी ड्यू डेट थी 7, तो उन्होंने कहा मंडे को देखेंगे, इफ होता है तो ठीक है वरना 7 को तो डिलीवरी करनी ही है, बिकॉज मेरा फर्स्ट भी सी सेशन था, तो मैं इस बार भी बिल्कुल रेडी थी कि यार 80% तो होना है, बट लोग कहते हैं कि अगर गैप ज़्यादा लो या कुछ भी लो तो नॉर्मल हो जाती है, बट मैं अंदर से सी सेशन के लिए बिल्कुल रेडी थी कि दिस टाइम भी मेरा सी सेशन ही होना है, बिकॉज जिस हिसाब से मुझे पेन्स नहीं आ रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो क्या होता है, 3 की नाइट में अपनी मॉम के घर जाती हूँ। मैंने सैटरडे संडे मतलब आया तो मैंने सोचा ठीक है 1 दिन रुकते हैं, 2 दिन समृद्धि की भी छुट्टी है। तो संडे की अर्ली मॉर्निंग, 4 थी वो डेट, अर्ली मॉर्निंग मुझे थोड़ा सा पेन्स हल्का हल्का, और मेरा वाटर ब्लॉक हो चुका था, वो धीरे धीरे लीकेज स्टार्ट हो रही थी, तो पहले मैं समझ नहीं पाई थी, बिकॉज समृद्धि के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था इसलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस बारे में, बट दिस टाइम मुझे सब कुछ हुआ तो मुझे पता लगा, तो वही मतलब सब कुछ चलता हुआ हम हॉस्पिटल गए। एंड लक बाय चांस कि आप मानोगे नहीं कि समृद्धि बॉर्न है 4 जन 2015, ठीक है, एंड समायरा बॉर्न है 4 सितंबर 2022। सेम संडे का दिन था समृद्धि बॉर्न हुई थी, सेम संडे का दिन था समायरा बॉर्न हुई थी, जो कि मैंने आपको अपने पहले किसी वीडियो या व्लॉग में यह बात बताई हुई है कि मेरे साथ एक कॉन्सिडेंस हुआ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये था वो कॉन्सिडेंस कि ये दोनों की सेम बर्थ डेट है 4 एंड सेम डे है, मतलब संडे उस दिन भी था और संडे आज भी है, बस सिर्फ 9 मंथ्स का मंथ में डिफरेंस है कि 9 मंथ्स का गैप है। तो ये हुआ, फिर उस दिन मेरी डिलीवरी हुई, सेम सी सेशन था बिकॉज वाटर ब्लॉक हो चुका था, पेन्स थे बट उतने ज़्यादा नहीं थे, और अभी मेरा सर्विस का मुंह नहीं खुला था तो फिर नॉर्मल करने का उनके पास टाइम ही नहीं था कि वो वेट करें, तो उन्होंने सी सेशन की तरफ ही जाना प्रेफर समझा, तो और मैंने भी करा। ठीक है, अब ये तो हो जाती है बात, तो अब तो मैं आपको अपना सब कुछ बता दिया जो मेरे साथ हुआ है, बाकी मैं धीरे धीरे और शेयर करती रहूंगी। आप लोगों की भी कोई इंक्वायरी हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपको कुछ इंक्वायरी पूछनी है, क्या हुआ कैसे, मतलब एनीथिंग, कुछ भी अबाउट माई डिलीवरी, अबाउट माई प्रेगनेंसी, कुछ भी, तो आप बिल्कुल मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो, बता सकते हो। एंड एक टॉपिक मैं नेक्स्ट भी आपके पास लेके आऊंगी जो कि मेरे पास आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि मेरी डिलीवरी को सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं, 3 एंड अबव मान लो, मतलब 4 से अभी जस्ट 20 के आसपास, नेक्स्ट 4 को समायरा 4 मंथ ही हो जाएगी। एंड जस्ट मतलब मैं कैसे बताऊँ, मुझे थोड़ा सा वो रहा है कि मैं लोगों से कैसे शेयर करूँ, बट मैंने सोचा नहीं ठीक है बता देना चाहिए, इसमें कोई नहीं है, कोई ऐसे छुपाने वाली बात नहीं है। देखो जिसको जब आना है वो आना है, आप कुछ नहीं कर सकते, मैंने तो ये रियलाइज़ किया, और बहुत लोग मतलब बहुत कुछ बोलेंगे आई नो दैट, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसके होने में बहुत कुछ बोला बट मैंने बिल्कुल उनको माइंड में नहीं लिया। तो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कुछ जो कि मुझे खुद अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही पता चला है। डोंट नो, मैं थोड़ा सा इसको देख के समझ रही होगी क्या है, मुझे नहीं पता बहुत लोग क्या सोच रहे होंगे क्या नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ चीज़ें, मैं जो पर्सनल है वो मैं हाइड रखूँगी, बट कुछ चीज़ें मैं आपको शो कर देती हूँ। तो फर्स्ट मैं अपनी थोड़ा सा पर्सनल डिटेल हाइड कर देती हूँ, हियर इज इट, जो कि मैं आपको बता दूं, तो ये है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। टिंटने नो गाइस, आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो यस हमारे घर में एक और नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है या आने वाली है, जो भी है, तो हम लोग तो बहुत खुश हैं। अब प्लीज़ इस पर कोई भी
ज्यादा रिएक्ट मत करना, मतलब करो भी तो कि आप अपना रिएक्शन दे सकते हो कि आपका क्या रिएक्शन है ये गुड न्यूज सुन के। बट मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे हाइड नहीं करना, बिकॉज आने वाले टाइम में आप सबको पता चलने ही वाला है, तो मैं कैसे ज्यादा हाइड करके रख सकती हूँ आप सबसे। तो मैं बता दूँ कि हमारे पास थोड़े ही टाइम में समारा का भाई या बहन आने वाला है या आने वाली है, जो भी होगा, तो एंड वी आर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर दिस न्यू फैमिली मेम्बर। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। आई नो जब मैंने सुना था मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, मतलब मेरा रिएक्शन ये था कि मतलब मिक्स एंड मैच इमोशन वो था कि यार देखो ये ना एक मतलब देखो जिसने आना है ना वो आना है, वो आप कितना भी कर लो, मतलब लाइक समायरा के लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी, सीरियसली इसके लिए आई एम नेवर रेडी, ठीक है, बट इसको आना था, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से ही मना करी थी, मुझे अभी भी नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मतलब लाइक स्टार्टिंग की मेरी प्रेगनेंसी थोड़ा ऐसी ही रहेगी, मतलब मैं काफ़ी इजी हो गई थी, इजी बिजी कि ठीक है कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं करी, ये नहीं करी, तो जस्ट वही है कि देखो जिसको आना है वो आना है। तो मतलब मैं ये मानती हूँ कि इसका कोई सोलमेट आ रहा है जो कि इसके बिना नहीं रह पा रहा था या रह पा रही थी, ठीक है, जो कि एक्चुअली ये बात सच होती है, मतलब मैंने ये सुना है कि अगर हम एक के बाद एक बेबी घर में आता है तो वो टू सोलमेट्स होते हैं, मतलब कि जो हमेशा एक साथ ही रहते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं। तो इसी का कोई सोलमेट है जो कि हमारे घर में आ रहा है नन्ना मेहमान बन के। अब वो भाई होगा या बहन वो तो हम बाद में बताएंगे या देखेंगे जब वो हो जाएगा, अभी हम आपसे डिस्कस नहीं कर सकते ना, हमें खुद पता है कि वो कौन है। बट आप लोग भी प्रेयर करना कि हमारा ये जो न्यू फैमिली मेंबर है वो हेल्थी वेल्थी आए और हमें ढेर सारी खुशियां दे। और अभी आप सो रहे हो कि समृद्धि का है, तो समृद्धि यहाँ नहीं है, समृद्धि अपने दादू दादी के घर गई है, बिकॉज उसके एग्जाम थे, आफ्टर एग्जाम उसकी छुट्टियाँ पड़ी तो वो बोर हो गई थी घर में, तो बोली मैं दादू दादी के घर जा रही हूँ। तो अब हमारे घर में इतने सारे बेबी जो जाएंगे हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। और बस आप लोग भी प्रेयर करना यार सब कुछ अच्छे से हो जाए। और बाकी और भी चीज़ है मैं आपके साथ, आप मेरे इस व्लॉग के बाद नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर वेट करना, बिकॉज बाकी जो देखो जो बाकी चीज़ें हैं ना, जो मेन चीज़ें हैं, जो बिल्कुल अभी मैं अल्ट्रासाउंड के लिए एक और जाऊंगी तो वो मैं आपको फिर रिवील करूंगी कि वो बेबी कितने मंथ्स का है क्या है। अभी मैंने जस्ट आपको ऐसे रफली दिखाया है, अभी मैं आपको कुछ भी ऐसे नहीं बता रही क्योंकि अभी मेरा एक अल्ट्रासाउंड और होना है, तब मैं आपको बताऊंगी कि वो बेबी कैसा है, कितने मंथ्स का है, ठीक है। बट हैप्पी हैप्पी। तो चलो अब आप भी वेट करना, ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग का मेरे। और तो वैसे ही इतनी खुशी खुशी है, हैप्पी हैप्पी है, और देख लो अकेली नहीं आ रही बिल्कुल, ये अपने साथ एक बेबी और लेके आ रही है ना, तो कौन आएगा जमाएगा हमारे घर में, तो आएगा हमारे घर में भैया ये दीदी, तो आएगा। तो एंड वी आर वेरी हैप्पी। सो ओके, अब इसको सुलाने का टाइम हो गया है, अब ये थोड़ी देर में रोने वाली है बस, बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको टाइम बता दूँ कि हमारा ये वीडियो मैं कितने बजे बना रही हूँ, 4:15 मॉर्निंग के, ये होता है मेरी लाइफ शेड्यूल टाइमिंग, ठीक है। कुछ वैसे नींद नहीं आती, कुछ इसने नहीं सोने देता होता, अब इसका सोने का टाइम हो रहा है जस्ट 15-20 मिनट्स में, ऑलमोस्ट हाफ एंड आवर तक ये सो जाएगी और फिर मॉर्निंग में उठेगी, तो अब थोड़ी सी बस ये क्रैंकी होने वाली है, ठीक है, तो हम इसको सुलाते हैं। तो मैं आपको इसी के साथ बाय बाय करती हूँ, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग के साथ। और प्लीज़ आप मेरी ये नेक्स्ट रिवील का प्लीज़ इंतज़ार करना कि मैं नेक्स्ट क्या रिवील करने वाली हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो का वेट करना, मैं जल्दी से वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी विद माय फुल फैमिली एंड माय हस्बैंड। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी आप लोगों की गुड मॉर्निंग होने वाली होगी बट मेरी अब गुड नाइट होने वाली है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, एंड यस मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।